a very interesting topic today, the converse of Lagrange theorem and Cielo theorems. We start with the definition of Lagrange theorem. इसपे मेरा एक पूरा lecture आपने देखा होगा, the shortest proof of Lagrange theorem. What is statement of Lagrange theorem? Lagrange theorem ये कहता है कि अगर G एक finite order का group है, group of finite order, then the order of subgroup divides the order of the group. Look at beauty of mathematics. Who knows के एक algebraic structure जो कि subgroup है, उसका एक ताल्लुक बन जाएगा number theory के concept divisibility के साथ, यानी किधर divisibility और किधर subgroup. Order of subgroup always divides the order of the group. यानी अगर order of the group फर्ज करे 10 है, तो one can expect के इसके जो subgroups के order होंगे वो साफ ज़ाहिर है less equal to 10 होंगे. This can be 1, 2, 5, 10, but it cannot be 3, it cannot be 7, it cannot be 9. This is the beauty of Lagrange theorem, that the order of the subgroup always divides order of the group. Lihaza, ye badi interesting baat hai ki subgroup ka order hamesha group ke order ka ek divisor hota hai. Now, converse of Lagrange theorem. Lagrange theorem ka converse kya kehta hai? कन्वर्स ये कहता है कि फॉर ईच डिवाइजर डी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एन, देयर मस्ट बी अ सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर. अगर डी एक डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का, तो ऑर्डर डी का एक सब ग्रुप होना चाहिए. यानी फॉर एवरी डिवाइजर डी ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, देयर मस्ट बी अ सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर. साल के तौर पर अगर फर्ज करें ग्रुप का ऑर्डर 10 है, अब 5 डिवाइड करता है 10 को, so there must be a subgroup of the group G of order 5. 12 agar group ka order hai, first kare order of the group is 12, 6 is a divisor of 12, then there must be a subgroup of order 6. This is the converse of Lagrange. It does not hold in general. In general ye hold nahi karta. There are many counter examples. One of them is A5. A5 kya hai? Aapne mera lecture suna hoga. सिमेट्रिक ग्रुप्स पे एक लेक्चर मेरा है, उसकी प्रॉपर्टीज पे और एक होता क्या है उसके कैलस टेबल और उसके एलिमेंट्स के बारे में. आपने देखा सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन का ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल, और अगर इवन परमुटेशन ले ली जाए सारी, तो फिर उसका ऑर्डर क्या होता है एन फैक्टोरियल बाय 2, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन. अच्छा इसका अब A5, व्हाट इज A5? A5 इज द ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ S5. इसका ऑर्डर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल बाय 2, दिस इज 60. ऑर्डर ऑफ A5 इज 60. इसे ज़हन में रखें कि इसका ऑर्डर 60 है. एक दूसरा वेल नोन रिजल्ट ज़हन में रखें कि A5 इज सिंपल ग्रुप. सिंपल ग्रुप का मतलब है कि इसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता. A5 हैज नो नॉर्मल सब, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है, कोई इसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता. अच्छा अब देखिए 30 डिवाइड्स 60. 30 इज द डिवाइडर ऑफ 60. 30 60 को डिवाइड करता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक सब ग्रुप होना चाहिए जिसका ऑर्डर 30 हो. फर्ज करें अच्छा एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 30 है, फिर क्या होगा? फिर इसका जो फैक्टर बनेगा, फैक्टर इसका जो इंडेक्स बनेगा वो क्या होगा? व्हाट इज इंडेक्स ऑफ दिस सब ग्रुप इन A5? वो क्या होगा? वो 60/30, वो 2 होगा. अब आप जानते हैं कि एक सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 हो वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है. इसका मतलब है कि अगर A5 का कोई सब ग्रुप ऑर्डर 30 का होगा तो उसका इंडेक्स 2 होगा, और अगर इंडेक्स 2 होगा तो लाजमी बात है वो नॉर्मल होगा. दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज A5 इज सिंपल ग्रुप, इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप. दिस इज कंट्राडिक्शन. इसका मतलब है कि A5 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 has no subgroup of order 30. इसका मतलब है कि converse of Lagrange theorem does not hold. इसी तरह अगर आपने smallest group देखना है जहां converse hold नहीं करता, तो आप A4 को देख लें. order of A4 is 12, 6 is a divisor of 12, but it has no subgroup of order 6. A4 का कोई subgroup ऐसा नहीं है जो order 6 का है. लिहाजा आपको बात यह समझ आ गई कि Lagrange theorem ने कहता है कि अगर कोई subgroup होगा तो उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होगा. कन्वर्स क्या बना? कन्वर्स ये बना कि अगर डी एक डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का,
तो लाजमी तौर पे ऑर्डर डी का सब ग्रुप भी होना चाहिए, विच डज नॉट होल्ड इन जनरल. A5 has no subgroup of order 30, A4 has no subgroup of order 6. अब it suggests some questions. Lagrange theorem के converse से कुछ question हमारे जहन में आते हैं, इन्हें हम address करेंगे अपने lecture. पहला question ये है कि ठीक है converse तो hold नहीं करता Lagrange theorem का, लेकिन आखिर किस किस्म का divisor हो तो इसका converse hold करेगा, यानी किस किस्म के divisor के लिए subgroup exist करता है. क्या वो प्राइम होना चाहिए, क्या वो प्राइम की पावर होनी चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम होना चाहिए, क्या वो प्राइम की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए जो उसे डिवाइड करती है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि अंडर व्हाट कंडीशंस द डिवाइजर डी ऑफ एन देयर इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टी. ठीक है, पहली बात तो ये कि किस किस्म के डिवाइजर के लिए सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, और अगर सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे ठीक है तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि वो कितने होंगे, किसी भी फिक्स्ड ऑर्डर के सब ग्रुप्स कितने होंगे, क्या वो यूनिक होंगे या वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे आप जानते हैं, आपने एक रिजल्ट पढ़ा है कि अगर आपका ग्रुप हो साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, तो फिर टू ईच डिवाइजर डी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप. साइक्लिक ग्रुप की सूरत में हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग ना तो सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, बल्कि न सिर्फ एग्जिस्ट करता है बल्कि वो हमेशा यूनिक होता है. जबकि अगर ग्रुप नॉन साइक्लिक हो, खा वो अबिलियन ही क्यों ना हो, तो फिर आप देखते हैं मिसाल के तौर पे आप अगर एक अबिलियन ग्रुप ले लेते हैं ए बी, दिस इज क्लाइंट्स फोर ग्रुप, जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर, हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है. तो ऑर्डर 2 के आप देखें इसका सब ग्रुप है 1A, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप है 1B, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप है 1AB. यानी इवन अबिलियन ग्रुप्स के अंदर भी जब कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है किसी फिक्स ऑर्डर का, उसका यूनिक होना जरूरी नहीं है. इसी तरह नॉन अबिलियन के अंदर भी कुटर्नियंस का आप देखें ऑर्डर 2 के आपके, ऑर्डर 4 के आपके पास 3 सब ग्रुप बन जाएंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस ए. अच्छा, अब आप देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए फिक्स्ड ऑर्डर डी आर द यूनिकनेस ऑफ दैट सब ग्रुप. ठीक है, अच्छा, नंबर 3, एक क्वेश्चन और पैदा होता है. ये तो एक डायमेंशन होगी ना कि हम डिवाइजर के हिसाब से कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम देखें कि किस किस्म के डिवाइजर के लिए सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, किस किस्म के डिवाइजर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है. एक और क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है, और वो क्वेश्चन ये है कि जो लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स है वो किस किस्म की क्लास के लिए होल्ड करता है. जैसे आप एक वेल नोन रिजल्ट है, आप जानते हैं कि इफ यू हैव ए कलेक्शन ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स then the converse of Lagrange theorem is true. Lagrange theorem का converse hold करता है हर cyclic group के लिए. अच्छा, फिर आपको, आप जानते हैं कि एक abelian group जो होता है कि every cyclic group is abelian, हर cyclic group abelian होता है, but an abelian group may or may not be cyclic. तो ये मिसाल के तौर पे Klein 4 एक group है जो abelian है लेकिन वो cyclic नहीं है. ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि abelian groups ज्यादा हैं cyclic के मुकाबले में. अब क्वेश्चन पैदा होता है कि अबिलियन ग्रुप्स के बारे में, क्या अबिलियन ग्रुप्स के अंदर होल्ड करता है लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स. आंसर इज यस, यूनिकनेस नहीं रहती लेकिन कन्वर्स होल्ड करता है यहाँ पे. फिर इससे आगे चले जाते हैं, अबिलियन से बड़ा एक बड़ी स्पेस लें आप, निलपोटेंट्स के अंदर चले जाएं, वहां ढूंढेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसे हम एड्रेस करेंगे, फॉर विच क्लास आर क्लासेज ऑफ ग्रुप्स कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड्स. ठीक है, तो ये हमारे पास दो डायमेंशन है सोचने की. एक ये कि किस किस्म के डिवाइजर के लिए सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इसमें हम ग्रुप्स की क्लासेस नहीं देख रहे होते किस किस्म की. और दूसरा तरीका ये है कि किस किस्म की क्लास के अंदर, किस किस्म के ग्रुप्स के अंदर कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम फुली होल्ड्स. ठीक है, अच्छा, अब हम अपने पहले प्रॉब्लम पे चले जाते हैं कि किस किस्म के डिवाइजर के लिए सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है और उनकी तादाद के बारे में कुछ पता चल सकता है कि नहीं. ठीक है, तो पहला रिजल्ट इस बारे में जिसे हम स्टडी करने लगे हैं वो है कॉशी थ्योरम. व्हाट इज कॉशी थ्योरम? कॉशी थ्योरम इज इफ पी इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एन, देन जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी एंड नेसेसरली साइक्लिक सब ग्रुप, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच प्राइम डिवाइजर पी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप देयर इज अ सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर पी. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 12. इसे आप लिख सकते हैं 2^2 × 3. अच्छा, अब आप देखें इसके डिवाइजर्स क्या क्या हैं. 1,
टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व. अब आप देखना चाहते हैं कि कन्वर्स ऑफ लैग्रैंज थ्योरम होल्ड्स आर नॉट, किस किस्म के डिवाइजर के लिए सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा. वन, ऑर्डर वन का सब ग्रुप तो हमेशा होता है, आइडेंटिटी पे मुश्तमिल होता है. ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 12, ये ग्रुप इटसेल्फ है, ठीक है, तो ये तो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हो गए. अब बाकियों में से आप देखें, ये आपके पास प्राइम नंबर है 2, ये आपके पास प्राइम नंबर है 3. अब कॉशी थ्योरम क्या कहता है? कॉशी थ्योरम ये कहता है कि जितने भी प्राइम डिवाइजर्स हैं जो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को डिवाइड कर रहे होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जरूर वहां पे सब ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब ऑर्डर 2 का और ऑर्डर 3 का सब ग्रुप इसका जरूर एग्जिस्ट करेगा. क्वेश्चन बाकी बच गया 4 के बारे में, विच इज प्राइम स्केयर, और क्वेश्चन बच गया 6 के बारे में, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम पी क्यू फॉर्म, ठीक है. आगे चल के हम देखेंगे कि किस किस मजीद किस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा. लेकिन बहरहाल काशी थ्योरम हमें जस्ट ये बता रहा है कि अगर आपके पास ग्रुप का कोई प्राइम डिवाइजर है, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो बेफिक्र हो जाए आप, अगर आपका डिवाइजर प्राइम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. ये एक पहला कदम है कन्वर्स ऑफ लैग्रैंज थ्योरम की तरफ और एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि अब आप बेफिक्र हो जाएंगे कि अगर कोई प्राइम डिवाइजर्स हैं तो उनके ऑर्डर के सब ग्रुप आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है. हाँ, वो यूनिक हो ना हो, उनकी तादाद के बारे में यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं मिल सका, ठीक है. वी हैव अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल हियर. अच्छा, आगे चलते हैं हम यहाँ से. ये हो गया कॉशी थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम इज थेलोस फर्स्ट थ्योरम, एंड द स्टेटमेंट इज कि फर्ज करें कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी इज एन, पी इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन, सच दैट कि पी रेज टू पावर अल्फा डिवाइड्स एन बट पी रेज टू पावर अल्फा प्लस वन डज नॉट डिवाइड्स एन. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पी अगर डिवाइड करता है एन को और पी की जो मैक्सिमम पावर एन को डिवाइड करती है, अगर वो पी अल्फा है, यानी अगर उससे बढ़ाया जाएगा तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती, देन देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर पी अल्फा. दिस इज समथिंग जनरलाइजेशन ऑफ द पी ग्रुप, ठीक है. यानी पी ग्रुप तो जस्ट हमें यानी कॉशी थ्योरम हमें क्या बताता था? वो हमें जस्ट ये बताता था कि अगर कोई प्राइम डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का, तो उस प्राइम डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक सब ग्रुप मिलेगा. अब ये उससे अगली पेशरफ्त है, ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप ये कि जैसे आप फर्ज करें कि आपके ग्रुप का ऑर्डर था 12, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 12, एंड 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय 3. अब देखें, 2 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को, यस. 3 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को, ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपने डिवाइजर लिखे थे, इनमें से ऑर्डर 2 का भी सब ग्रुप होगा, ऑर्डर 3 का भी होगा, ये कॉशी थ्योरम बता रहा है, ठीक है. अब सीलो थ्योरम क्या कहता है? सीलो थ्योरम ये कहता है कि आप इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, आपने कर ली. अब यहां से आप देखें कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है जो ग्रुप को डिवाइड कर रही है, 2 है, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है जो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को डिवाइड कर रही है, वो 3 है. इसका मतलब ये है कि इसके 2 तरह के सब ग्रुप एग्जिस्ट करें, एक सीलो 2 सब ग्रुप, ठीक है, सीलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रेज टू पावर 2 4, ऑर्डर 4 का सीलो 2 सब ग्रुप होगा, और इसका सीलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 की मैक्सिमम पावर क्या डिवाइड करती है? 1, तो उसका ऑर्डर 3 होगा. इसका मतलब है कि अब आपके पास एक और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आपको सीलो थ्योरम ने बताया कि ना सिर्फ ऑर्डर 2 का सब ग्रुप होगा बल्कि 2 की जो मैक्सिमम पावर है इस ऑर्डर का भी सब ग्रुप होगा. 1 और 12 के तो ऑलरेडी, तो जस्ट एक रह गया 6, और यह काबू में नहीं आता क्योंकि ऑर्डर 12 की एग्जाम्पल आपके पास है कि A4 का ऑर्डर 12 है लेकिन 6 ऑर्डर का उसका कोई सब ग्रुप नहीं है. बाकी डिवाइजर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप काशी और सीलो थ्योरम ने दे दिए, ठीक है. अच्छा, इससे आगे चलते हैं. अब मिसाल के तौर पे एक और चले एग्जांपल ले लेते हैं. फर्ज करें कि आपके पास ग्रुप का ऑर्डर है 20. अब इसके सीलो पी सब ग्रुप कौन कौन से होंगे और वो किस ऑर्डर के होंगे? 20 को आप क्या लिखेंगे? 2^2 × 5. अच्छा, अब देखें, इसका मतलब है कि 2 प्राइम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 और 5. जो 2 है सीलो 2 ग्रुप, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो रही है? 2, तो ये 4. और सीलो 5 जो है उसका ऑर्डर क्या होगा? 5 रेज टू पावर 1, 5, ठीक है.
तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अगर 20 होगा तो ऑर्डर 4 और 5 के उसके सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अदर डिवाइजर्स आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ठीक है। अब देखें ऑर्डर 1 और 20 का तो ट्रिवियल सब ग्रुप होगा, ऑर्डर 2 और 5 का तो कौशी ने बता दिया कि प्राइम में उनके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और ऑर्डर 4 का सिलो थ्योरम कहता है कि सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर 10 के बारे में यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, एंड अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म पी क्यू, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास सिलो फर्स्ट थ्योरम, आगे चलते हैं सेकेंड थ्योरम, सिलो सेकेंड थ्योरम। व्हाट इज सिलो सेकेंड थ्योरम? सिलो सेकेंड थ्योरम गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सिलो पी सब, वेदर द सिलो पी सब ग्रुप्स आर यूनिक आर नॉट, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स, ठीक है। तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, और वो ये है कि एनी टू सिलो पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट। साल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल लेके, S3 इज equal to identity permutation 1, 2, 1, 3, 2, 3, then cycles of length 1, 2, 3 and its inverse 1, 3, 2, ये आपके पास S3 है, ठीक है। order of the group is, order of the group is here 6, 6 is equal to 2 by 3, इसका मतलब है इसके सिलो 2 सब ग्रुप होंगे और सिलो 3 सब ग्रुप होंगे। सिलो 2 सब ग्रुप वो होंगे जिनका ऑर्डर 2 है, सिलो 3 सब ग्रुप वो होंगे जिनका ऑर्डर 3 है। अब S3 के ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं? 1, 2, इसका ऑर्डर 2 है, हर वो एलिमेंट इसका ऑर्डर 2 है वो जनरेट करेगा इसका सब ग्रुप ऑर्डर 2 का, एंड दिस इज 2, 3, ठीक है। दीज आर द सिलो 2 सब ग्रुप्स ऑफ S3, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सिलो 2 सब ग्रुप्स, एंड सिलो 3 सब ग्रुप्स ऑफ S3 ये एलिमेंट जिनके ऑर्डर 3 होंगे उनसे जनरेट होगा, और 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 का स्केल नहीं तो 1, 3, 2 बनता है, 1, 3, 2 का स्केल, ये आ गया हमारे पास I के बराबर, तो ये सिलो 3 सब ग्रुप है। अब आप देखें सिलो 3 सब ग्रुप लिया तो वो तो एक ही है यूनिक, इसके अलावा ऑर्डर 3 का कोई सब ग्रुप नहीं। सिलो 2 सब ग्रुप लिए तो उनकी तादाद है 3, ठीक है। अच्छा अब नाउ लुक एट द स्टेटमेंट कि अगर एक ही ऑर्डर के, जैसे ये एक ही ऑर्डर के 3 है, अगर एक ही ऑर्डर के सिलो पी सब ग्रुप एक से ज्यादा हों तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है? उनका आपस में रिलेशन ये होता है कि ये आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। व्हाट इज कॉन्जुगेट? अगर एक सब ग्रुप एच है, मिसाल के तौर पे ये एच है, तो अगर आप निकालेंगे जी एच जी इनवर्स, तो ये जो नया बनेगा जी एच जी इनवर्स एच बिलोंग्स टू एच, इस सब ग्रुप को आप कॉन्जुगेट कहेंगे। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि ये आपस में कॉन्जुगेट है, जब आप जी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स लेंगे, जी या जी इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये बाकी भी आ जाएंगे। सो दीज आर द कॉन्जुगेट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब एक और आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर किसी ऑर्डर का सिलो पी सब ग्रुप यूनिक हो, दिस इज द यूनिक सिलो पी सब ग्रुप। इसका क्या मतलब है? यूनिक सिलो पी सब ग्रुप का मतलब ये है, अब अगर आप इसके कॉन्जुगेट बनाते भी हैं जी एच जी इनवर्स, तो वो एच के ही बराबर होंगे फॉर ऑल जी इन जी, हमेशा हमेशा इसका कॉन्जुगेट सब ग्रुप यही होगा, क्योंकि अगर इसका कॉन्जुगेट सब ग्रुप इसके अलावा कोई हुआ ऑर्डर 3 का, तो फिर तो वो भी सिलो 3 सब ग्रुप होगा, और जबकि सिलो 3 सब ग्रुप तो यूनिक है। इसका मतलब है कि इसके तमाम ये सेल्फ कॉन्जुगेट है, जी एच जी इनवर्स इज अगेन एच फॉर ऑल जी इन जी, और ऐसे सब ग्रुप को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो लिहाजा यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल गया कि हर दो सिलो पी सब ग्रुप्स क्या होंगे? वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे, और जबकि आपस में कॉन्जुगेट होंगे, और अगर आपको ये पता चला कि अगर किसी ऑर्डर का सिलो पी सब ग्रुप यूनिक है, तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ एक कन्फ्यूजन भी पैदा होती है। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था कि भाई कोटर्नियंस का जो ग्रुप है क्यू ए टू से लिख लेते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i प्लस माइनस j प्लस माइनस k, इसके जब हम सब ग्रुप बनाते हैं, एक इसका सब ग्रुप बनता है मिसाल के तौर पे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस j प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i प्लस माइनस 1 प्लस माइनस k। अब ये 3 सब ग्रुप बन गए, h1 h2 h3, तीनों का ऑर्डर 4 है। अब आप जानते हैं क्यू एट हैमिल्टोनियन ग्रुप है, मतलब ये कि इसके जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे
नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप, ऑल ऑफ हूज सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। अब आप देखें कि ये ऑर्डर फोर के तीन सब ग्रुप हैं, तीनों नॉर्मल हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, इसे अगर ये साइलो सब ग्रुप्स हैं तो ये नॉर्मल है, तो ये यूनिक होना चाहिए ऑर्डर फोर का, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज कि आप ग्रुप का ऑर्डर पे गौर करें, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है एट, ठीक है, एट इज इक्वल टू रेज टू पार्ट थ्री। अब आप देखें कि इसका जो सीलो टू सब ग्रुप है वो क्या होगा, वो टू की मैक्सिमम पावर होगी, यानी टू की मैक्सिमम पावर थ्री है, मीन्स एट। इसका मतलब है कि क्यू एट इज इट सेल्फ सीलो टू सब ग्रुप ऑफ क्यू एट, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर फोर के बने, ये दीज आर नॉट सीलो टू सब ग्रुप्स, ठीक है। अगर ये सीलो टू सब ग्रुप होते और ये नॉर्मल सब ग्रुप होते तो फिर सीलो टू सब ग्रुप यूनिक होना था, ठीक है, दिस इज द कंफ्यूजन। अच्छा, सो द स्टेटमेंट इज एनी टू सीलो पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट, और अगर सीलो टू सीलो पी सब ग्रुप यूनिक हुआ तो इसका मतलब है दैट इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, एंड ग्रुप जी इज नॉट सिंपल, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे प्रूव करने के लिए कि अगर आपने किसी ग्रुप को प्रूव करना है कि वो सिंपल नहीं है तो आप साबित कर देंगे कि उसका सीलो पी सब ग्रुप यूनिक है। द अदर रिजल्ट्स आर इफ फाइनाइट ग्रुप जी हैज ए यूनिक सीलो पी सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच इज नॉर्मल इन जी। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर एच नॉर्मल होगा तो इट विल बी यूनिक सीलो पी सब ग्रुप ऑफ जी। ए सीलो पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज द ओनली सीलो पी सब ग्रुप ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर, ठीक है, क्योंकि अपने नॉर्मलाइजर में हर कोई नॉर्मल होता है, तो इसकी वजह से अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो फिर वो सीलो पी सब ग्रुप यूनिक होगा, इज द ओनली, ये मतलब है। एच वी दस यूनिक सीलो पी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप देन एच इज करेक्टरिस्टिक। अगर यूनिक सीलो पी सब ग्रुप होगा तो ना सिर्फ वो नॉर्मल होगा बल्कि वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप भी होगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप क्या होता है, एक आप ऑटोमॉर्फिज्म लेते हैं एच से एच पे, एंड इफ एल्फा एच इज इक्वल टू एच फॉर ऑल करेक्टरिस्टिक फॉर ऑल ऑटोमॉर्फिज्म एल्फा देन दैट सब ग्रुप इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। और अगर एल्फा एच इज इक्वल टू एच नहीं आता, सपोज एल्फा एच इज अनदर सब ग्रुप एच वन, तो आप जानते हैं कि इनका ऑर्डर तो क्योंकि अल्फा ऑटोमॉर्फिज्म में ज्यादा, इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा और दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, तो फिर ये यूनिकनेस ऑफ सीलो पी सब ग्रुप नहीं रहेगी, ठीक है, इफ इट इज नॉट इट। तो लिहाजा अगर यूनिक सीलो पी सब ग्रुप होगा तो वो ना सिर्फ नॉर्मल होगा बल्कि वो ग्रुप का करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप भी होगा, ठीक है। सो इट गिव्स एन एग्जांपल ऑफ करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप आल्सो, एनी पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज कंटेन्ड इन सीलो पी सब ग्रुप। पी सब ग्रुप क्या होता है, जो आप देखें कि अगर फर्ज करें उसका ऑर्डर पी है या पी स्केयर है, बट इट विल बी लेस इक्वल टू पी अल्फा, क्योंकि सीलो पी सब ग्रुप क्या होता है, वो पी की मैक्सिमम पावर होती है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, ठीक है। सो एनी अदर पी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी इज ऑलवेज कंटेन्ड इन द सीलो पी सब ग्रुप बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम पावर। अच्छा, ये हमारे पास सेकेंड थ्योरम ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी लेकिन हमें टोटल तादाद नहीं बताई कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ गिवन ऑर्डर। थर्ड थ्योरम गिव्स अस द नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स फॉर अ गिवन ऑर्डर। ओके, फर्स्ट थ्योरम ने आपको बताया कि सीलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, सेकंड थ्योरम ने आपको बताया कि अगर वो जितने भी होंगे उस ऑर्डर के सब ग्रुप वापस में कॉन्जुगेट होंगे, लेकिन आपको तादाद के बारे में नहीं पता चल सकता। थर्ड थ्योरम उनकी तादाद के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। थर्ड थ्योरम ये कहता है कि फर्ज करें सीलो पी सब ग्रुप्स की तादाद अगर एन पी हो, तो ये दो बातें बताता है। पहली बात ये बताता है कि एन पी द नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी, एक ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, पहली बात यानी ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होगा। नंबर टू, एन पी द नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स इज इक्वल टू वन प्लस के टाइम्स P, where K is equal to 0, 1, 2, 3. This shows that कि जब आप mod P apply करेंगे तो NP concurrent to 1 mod P, ठीक है। तो जी अब आप एक तरीका कार पता चल गया, number of सीलो P subgroups निकाल देगा, ठीक है। I repeat this, the number of सीलो P subgroups of a finite group NP divides order of the group and this is concurrent to 1 mod p. Now look at some examples.
अब कुछ एग्जांपल करते हैं. फाइंड ऑल सब ऑल सिलो पी सब ग्रुप्स ऑफ एस थ्री एंड ए फोर. एस थ्री का ऑर्डर क्या है? एस थ्री का ऑर्डर 3 × 6 है. दिस इज इक्वल टू 2/3. और अभी आपने देखा भी था एग्जांपल में, हमने सिलो टू सब ग्रुप्स निकाले एस थ्री के, और वो कौन कौन से थे? एक 1-2 के साथ और एक 1-3 के साथ बन जाएगा, एक बन जाएगा 2-3 के साथ. तो हमने ये देखा कि ऑर्डर 2 के सिलो 2 सब ग्रुप 3 है. इसी तरह सिलो 3 सब ग्रुप निकाले एस थ्री के, क्योंकि दो ही प्राइम है 2 और 3, तो वो हमारे पास यूनिक निकला. और हमने कहा कि वो यूनिक होने की वजह से उसमें नॉर्मल सब ग्रुप है, और हम इंडेक्स की वजह से भी जानते हैं कि इसका ऑर्डर 3 है, ग्रुप का ऑर्डर 6 है, इसका इंडेक्स 2 है, तो ये उसमें नॉर्मल सब ग्रुप है. अच्छा, अब हम जरा अप्लाई करते हैं सिलो थर्ड थ्योरम. सिलो थर्ड थ्योरम ये कहता है कि अगर एस थ्री का ऑर्डर है 6 विच इज 3/2, तो प्राइम 3 की जो मैक्सिमम पावर डिवाइड कर रही है वो 1 है. ठीक है, तो सिलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, उसका जो ऑर्डर है वो उसे हम एन 3 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अच्छा, और एन और ये किस फॉर्म में होगा? एन 3 इज इक्वल टू 1+3 के, वेयर के इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3. अब हम k को वैल्यूज देंगे, पुट k इज इक्वल टू 0, 3, 0, तो क्या बन जाएगा? 1. इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि सिलो 3 सब ग्रुप ऑर्डर 1 का हो. k को अब आप 1 पुट करके देख लें, ये 3 × 1 ये हो जाएगा हमारे पास 4, 3 + 1, 4. अब आपने देखना क्या होता है, आपने देखना ये होता है कि ये n 3 डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को, बट 4 डज नॉट डिवाइड 6. इसका मतलब है कि इसका एक ही सिलो 3 सब ग्रुप होगा और वो यूनिक होगा, क्योंकि आगे जो नंबर आएंगे वो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक है, सो इट हैज ओनली 1 सिलो 3 सब ग्रुप, सो द सिलो 3 सब ग्रुप इज यूनिक. ठीक है, यहाँ से आप प्रूव ये भी कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि एस थ्री क्या एक सिलो 3 सब ग्रुप निकल आया, क्योंकि वो यूनिक है तो वो नॉर्मल है एस थ्री में. सो दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस थ्री. नाउ वट अबाउट सिलो 2 सब ग्रुप, क्योंकि 2 भी डिवाइड कर रहा है. सिलो 2 सब ग्रुप्स की तादाद को अगर आप एन 2 के साथ रिप्रेजेंट करें, तो एन 2 इज इक्वल टू 1+2 के, एंड अगेन के 0, 1, 2 एंड अप टू सो. अब अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे, के को अगर आप 0 रखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1, सिलो 2 सब ग्रुप 1 हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ पे के को 1 रखते हैं तो फिर क्या आंसर आएगा? 2+1, 3. अब चेक ये करना होता है कि क्या ये ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को डिवाइड करता है 3/6. यस, तो ये भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. n2 इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे k को 2 पुट कर दें तो ये 5 आ सकता है, बट 5 डज नॉट डिवाइड 6. ठीक है, अच्छा, अगर आप k को 3 रख दें तो फिर ये 7 हो जाता है, तो उससे आगे चला जाता है, आगे आप नहीं जाएंगे. इसका मतलब है कि आपके पास सिलो 2 सब ग्रुप्स की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक है कि वो 1 होंगे और दूसरा है कि वो 3 होंगे. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिलो 2 सब ग्रुप्स आपके पास 3 है. अच्छा, 1 कब होंगे? आप जानते हैं कि अगर आपका ग्रुप साइक्लिक हो, मिसाल के तौर पर C6 साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो फिर हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक सब ग्रुप होता है. तो उस केस में सिलो 3 सब ग्रुप भी यूनिक होगा, सिलो 2 सब ग्रुप भी यूनिक होगा, लेकिन S3 इज अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. तो इसलिए मैंने आपको बताया कि सिलो थर्ड थ्योरम आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि कितने सिलो सब ग्रुप होंगे जब तक आप फर्दर रिजल्ट अप्लाई नहीं करेंगे. ये आपको जस्ट ये बताएगा कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है. ठीक है, लेकिन सम टाइम जैसे यहाँ बता दिया एक ही पॉसिबिलिटी थी, तो इसका मतलब एग्जैक्ट बता दिया इसने कि क्या तादाद थी. अदरवाइज इट गिव्स द पॉसिबिलिटी. इसका मतलब है कि अगर कोई भी ग्रुप ऑर्डर 6 का होगा तो उसके सिलो 2 सब ग्रुप या तो 1 होंगे या वो 3 होंगे, एंड इन आवर केस दीज आर 3. अनदर इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे मिल रही है वो ये मिल रही है कि दीज थ्री आर नॉट नॉर्मल इन S3, क्योंकि अगर ये S3 के नॉर्मल सब ग्रुप होते तो फिर सिलो 2 सब ग्रुप भी यूनिक होना था. ठीक है, अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. दूसरी एग्जाम्पल है A4 की. एंड वॉट इज A4? दिस इज I, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन आएगा 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4 और 1, 4, 2, 3. आपने मेरा सिमेट्रिक ग्रुप का लेक्चर लिया होगा, उसमें इसके एलिमेंट्स बनाना भी सीखा है हमने, और इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करना और बाकी प्रॉपर्टीज भी आपने देखी. ठीक है, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 3
और वन और ये आखिर में आ जाएगा टू थ्री फोर एंड टू फोर थ्री. ओके दिस इज ए फोर. ऑर्डर ऑफ ए फोर इज 12 एंड 12 इज इक्वल टू टू स्केयर इन टू थ्री. ये हमारे पास ए फोर है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 टू स्केयर इन टू थ्री. इसका मतलब है कि इसके सीलो टू सब ग्रुप भी होंगे और सीलो थ्री सब ग्रुप भी होंगे. सीलो टू सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या होगा? सीलो टू सब ग्रुप्स का ऑर्डर जो टू की मैक्सिमम पावर डिवाइड कर रही है ग्रुप के ऑर्डर को वो ये है. तो इसका ऑर्डर फोर होगा. ऑर्डर फोर के इसके सब ग्रुप्स होंगे और सीलो थ्री सब ग्रुप इसका ऑर्डर थ्री होगा. अब पहले निकालते हैं सीलो टू सब ग्रुप्स जो कि ऑर्डर फोर के होंगे. ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ऑर्डर फोर का आप क्योंकि ये देखें ये ऑर्डर थ्री के एलिमेंट्स इनसे ऑर्डर फोर का सब ग्रुप नहीं बनेगा. ऑर्डर टू के एलिमेंट्स हैं इन्हें इनसे आपके पास एक आप जानते हैं ए फोर का एक नॉर्मल सब ग्रुप है वी फोर आई वन टू थ्री फोर वन थ्री टू फोर वन फोर टू थ्री. दिस इज द वी फोर इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए फोर एंड ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप इज फोर. ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है ऑर्डर फोर का है. अब ये आपका गैस है. अब दूसरी तरफ आए अब सीलो टू सब ग्रुप का ऑर्डर फोर होना चाहिए और आप जानते हैं कि ऑर्डर फोर का सब ग्रुप इसका नॉर्मल है. इसका मतलब है कि सीलो टू सब ग्रुप की तादाद वन होनी चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल है. अब अगर आप अपना फार्मूला यूज करें तो नंबर ऑफ सीलो टू सब ग्रुप्स इज इक्वल टू वन प्लस टू के वेयर के जीरो वन टू थ्री एंड टू सो और लुक एट दिस दिस इज इक्वल टू वन प्लस टू के इज इक्वल टू जीरो पुट कर लें आंसर इज वन वन डिवाइड्स 12. ओके अगर आप के को कर लें वन तो फिर क्या आंसर आएगा? Then your answer is 3. 3 also divides order of the group. अच्छा अब अगर आप कर लें इसको 2 कर लें then it is 5. 5 does not divide order of the group. अब अगर आप इसको कर लें 3 7. 7 does not divide order of the group and up to so on. आगे आपको दोबारा कोई इसका divisor नहीं मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब यह है कि सीलो 2 सब ग्रुप्स कितने हो सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 के? सीलो टू सब ग्रुप नंबर ऑफ सीलो टू सब ग्रुप कैन बी वन और थ्री. लिहाजा अब आपने सीलो थर्ड थ्योरम से भी चेक कर लिया कि पॉसिबिलिटी ऑफ सीलो टू सब ग्रुप फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज वन और थ्री एंड इन आवर केस दिस इज वन बिकॉज दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए फोर. ठीक है, तो इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि सीलो थर्ड थ्योरम आपको पॉसिबिलिटीज बताएगा, एग्जैक्ट आपको नहीं बताएगा. अच्छा इसी तरह अब अगर आप चेक करना चाहते हैं सिलो थ्री सब ग्रुप्स तो वो कितने बनेंगे? अब उसके लिए आप क्या करेंगे जो ऑर्डर थ्री के एलिमेंट्स हैं उनकी मदद से आप वो ग्रुप बनाएंगे. मसलन एक आपके पास एलिमेंट वन टू थ्री से जनरेट होगा. वन टू थ्री वन थ्री टू इसका इनवर्स है और उसके बाद थ्री पावर लेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा. इसी तरह आप एक ले सकते हैं वन टू फोर वन फोर टू या आपके पास आ गया. इसी तरह आप ले सकते हैं वन थ्री फोर के साथ वन फोर थ्री आ जाएगा एंड सिमिलरली टू थ्री फोर विद टू फोर थ्री. तो ये चार आपके पास सीलो थ्री सब ग्रुप्स बन जाएंगे. ठीक है, अब अगर आप सीलो थर्ड थ्योरम यूज करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ सीलो थ्री सब ग्रुप्स दिस इज इक्वल टू वन प्लस थ्री के. कि अगर आप जीरो पुट करेंगे अगेन दिस इज ग्रुप. अच्छा अगर आपके पास के वन होगा तो वन प्लस थ्री इंटू वन दिस इज फोर. फोर ऑल्सो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 12. अगर आप इसको टू रखेंगे तो दिस इज सेवन. दिस डज नॉट डिवाइड 12. ठीक और आगे डिवाइड नहीं. सो द पॉसिबिलिटीज ऑफ सीलो थ्री सब ग्रुप आर वन एंड फोर. या तो वो एक होगा यूनिक होगा या वो फोर होंगे. एंड वी सी दैट देर आर फोर सब ग्रुप्स. और आप क्योंकि ये यूनिक नहीं है सीलो थ्री सब ग्रुप तो आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर नॉट नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए फोर. तो इस तरह आप नॉर्मल सब ग्रुप्स भी चेक कर सकते हैं किसी ग्रुप के. ठीक है, तो आपको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है, इसके अलावा अब आप कुछ प्रैक्टिस कर लें. आप एक ग्रुप लें जिसका ऑर्डर 60 हो तो आप देखें इसके सीलो पी सब ग्रुप्स की तादाद क्या क्या हो सकती है. एक ग्रुप लें जिसका ऑर्डर 250 हो इसके लिए आप देखें. ठीक, अब यहाँ आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेकंड एप्लीकेशन एग्जांपल टू. ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2540 कैन नॉट बी सिंपल. इस ऑर्डर का ग्रुप सिंपल नहीं हो सकता, यानी उसका नॉर्मल सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे हम इसे? सीलो थ्योरम की मदद से.
ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू 2540। इसकी आप अगर फैक्टराइजेशन करते हैं, दिस इज 2 स्क्वायर इनटू 5, दिस इज 20 एंड 127। ये इसकी फैक्टराइज, दीज आर 3 प्राइम, 2, 5 एंड 127। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम नंबर ऑफ सिलो पीस आप ग्रुप निकाल लेंगे। ठीक है, आप 2 के लिए निकालेंगे, 5 के लिए निकालेंगे, 127 के लिए निकालेंगे। ठीक है, जब आप 127 के लिए निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ सिलो पीस सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 127 इज इक्वल टू 1 प्लस 127 के। आप के जीरो पुट करेंगे तो आंसर विल बी 1। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये सिलो पीस सब ग्रुप यूनिक होगा। अब अगर आप इसके अलावा, जीरो के अलावा कोई के लेंगे तो यू विल सी दैट 1 प्लस 127 के डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस ऑर्डर का इसका हमेशा एक यूनिक सब ग्रुप होगा, और अगर वो यूनिक होगा तो वो नॉर्मल होगा। सो नाउ जी हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 127। तो ये इसकी एप्लीकेशन है सिलो पी सब ग्रुप्स, सिलो पी थ्योरम्स की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्स ऑफ लैग्रैंज थ्योरम किन क्लासेस के साथ होल्ड करता है और किन क्लासेस के लिए होल्ड नहीं करता। ठीक है, यहाँ मैं आप इस पे एक अलग लेक्चर होगा, यहाँ मैं आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ कि कन्वर्स ऑफ लैग्रैंज थ्योरम इज ट्रू इन द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ग्रुप्स। द स्मॉलेस्ट वन इज साइक्लिक ग्रुप। आप जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप्स के अंदर कन्वर्स होल्ड करता है। ठीक है, एंड देन अबिलियन ग्रुप्स, अबिलियन इज लार्जर क्लास ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, एंड देन ऑल फाइनाइट पी ग्रुप्स, तमाम फाइनाइट पी ग्रुप्स के अंदर कन्वर्स होल्ड करता है। ठीक है, फाइनाइट तो ये सारे हैं, बिकॉज आप ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को फाइनाइट रख के ही कन्वर्स ढूंढने के लैग्रैंज थ्योरम का, तो ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स में, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स में, फाइनाइट पी ग्रुप्स में, फाइनाइट डायहेड्रल ग्रुप्स में, और फाइनाइट निलपोटेंट ग्रुप्स में। ठीक है, दिस क्लास निलपोटेंट ग्रुप्स कंटेन्स ऑल ऑफ दी साइक्लिक, अबिलियन, फाइनाइट पी ग्रुप, डायहेड्रल ग्रुप। इसमें मेरा एक सेपरेट लेक्चर होगा निलपोटेंट ग्रुप्स पे, एंड देन द लार्जर वन इज द सुपर सॉल्व। सुपर सॉल्वेबल के बाद एक क्लास आती है सॉल्वेबल ग्रुप्स की। ठीक है, इस पे मेरा सेपरेट लेक्चर है इंपोर्टेंट ग्रुप्स और उसके रिजल्ट्स पे, सॉल्वेबल ग्रुप्स और उसके रिजल्ट्स पे। द क्लास ऑफ द ग्रुप्स दैट सेटिस्फाइज कन्वर्स ऑफ लैग्रैंज थ्योरम इस, इसे हम CLT कहते हैं। ये क्लास, दिस क्लास बेसिकली लाइज बिटवीन सुपर सॉल्वेबल ग्रुप्स एंड सॉल्वेबल ग्रुप्स। ठीक है, सो ऑल दीज क्लासेस सेटिस्फाइज द कन्वर्स ऑफ लैग्रैंज थ्योरम CLT क्लासेस। ठीक है, so this is the end of this lecture. Thank you very much.